child prodigies हैं, इतने artist होते हैं, इतने छोटे-छोटे बच्चे या जो artist भी होते हैं, उनमें ये creation की वो चीज कहाँ से आती है? मैंने देखा है या experience करा है कभी meditativeness में होते हैं तो creation अपने आप अंदर से, जैसे अगर लिखने की ख्वाहिश है तो वो अपने आप निकलता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है. तो जो बड़े आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं तमाम, तो वो तो ऑलरेडी उस स्टेट में हैं, तभी इतना सुंदर खूबसूरत क्रिएशन कर पाते हैं. तो और जो छोटे बच्चे हैं आजकल, हम कितने प्रोडिजीज देखते हैं कि इतने सुंदर कि आश्चर्यचकित रह जाए, तो वो कैसे संभव होता है सब कुछ? एक्चुअल में कर्मा पर ये क्वेश्चन लोगों के जहन में अक्सर आता ही है कि अगर कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है तो ये चाइल्ड जो प्रोडिगीज़ हैं और या नेगेटिव जो टेंडेंसीज हैं वो एकदम से कैसे किसी में आती हैं, कुछ तो पुराना कुछ होना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया. हम लोग एक टेंडेंसी में जीते हैं जो होती है ईजी आंसर की टेंडेंसी, और हमारे रिलीजन्स ने हमको ईजी आंसर्स दिए जो हमको कंसीव होते हैं. अब जैसे जो बात मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा समझने के लिए एफर्ट थोड़ा सा लगता है, हालांकि एफर्ट जैसा है नहीं, लेकिन फिर भी उस कंडीशन ट्रेडिशनल माइंड को ऐसा लगता है. आप उसको दूसरे एंगल से देखिए, जैसा मैंने कहा कि प्रोसेसिंग टोटेलिटी में होती है, फिर टोटेलिटी अपने टोटल इवोल्यूशन में बहुत सारे ऐसे बॉडी माइंड प्रोड्यूस करती है जिनमें अलग अलग किस्म के एट्रीब्यूट होते हैं. तो बेसिकली पहले वो उस तरह का रिफाइंड बॉडी माइंड प्रोड्यूस होता है और उसमें वैसे एट्रीब्यूट वैसे गुण प्रकट होते हैं जो हमको प्रोडिजी जैसे जान पड़ते हैं. अब इसको दूसरे आप बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखिए, पुराने वक्त में देखिए तो ऐसे बच्चे कम होते थे, इक्के दुक्के किसी एक राज्य में एक बच्चा हुआ तो उसका बड़ा नाम हो गया. आज हर दो तीन घर छोड़ के आपको दिखेगा कि हर बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, और इवन आप उनको माइंड के लेवल पर ही टैलेंटेड नहीं, बॉडी के लेवल पर भी. जो लोग देखिए बच्चों को देखते हैं, फिजिकली दे आर मोर एक्टिव, मेंटली दे आर मोर एक्टिव. तो ऐसा क्या हो गया कि एकदम से इतने ज़्यादा बच्चे टैलेंटेड पैदा होने लग गए? क्योंकि अब वो टोटल एवोल्यूशन में वो मुकाम आगे बढ़ रहा है, वो प्रोसेसिंग बढ़ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट होगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, वो चलता रहेगा, वो प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, ज्ञान की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्रिएटिविटी की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, सब चीज़ बढ़ती चली जाएगी. और आज के टाइम में बढ़ रही है स्पिरिचुअल अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करें आप, तो मैं तो आए दिन लोगों से पिछले ढाई दशक से डिकेड से लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ डे बाय डे बढ़ रही है. आप यंगस्टर्स को जो लोग पहले बहुत हल्के में लेते थे, उनको लगता था कि नहीं इनको कुछ नहीं आता, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझ है, यानी कि मेरे आसपास इतने टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं जिनको बस आप बिठाल दीजिए गुरु बना के, दे आर कंप्लीट गुरु मटेरियल, पूरा टैलेंट है, ज्ञान है, तमाम लोग हैं, ऐसे कहाँ से आ रहा है? यानी कि अब आज की जनरेशन में आप बहुत लोगों को ऐसे समझा नहीं सकते आसानी से, टैलेंट बढ़ा है. आप अगर इसको जैसे अपने फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, हालांकि वो बॉलीवुड वर्ड वो लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मीडिया में तो हम लोग बॉलीवुड ही कहते हैं. पहले के वक्त में इक्का दुक्का कोई एक्टर आ जाता था तो सुपरस्टार बन जाता था. आज की जनरेशन में देखिए कि सब इतने टैलेंटेड हैं एक से बढ़कर एक कि सुपरस्टार का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, यानी कि जो टैलेंट है वो चलेगा, जो टैलेंट नहीं है, और फिर उसमें भी दूसरी चीज़ निकली, टैलेंट होगा चलेगा ये बात भी धीरे धीरे मिथ बनती जा रही है, क्योंकि टैलेंट तो है ही है, फिर भी क्यों चलेगा क्यों नहीं चलेगा इसकी गणित नहीं है किसी के पास. तो सुपरस्टार का कंसेप्ट जैसे उसको हमको लगता था तो बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड था व्यक्ति, लेकिन वो नहीं था एक्स्ट्रा टैलेंटेड, ज़्यादा लोगों में वो कम था इसलिए ऐसा लगता था. अब बढ़ रहा है,
क्योंकि टोटल मास ऑफ इवोल्यूशन, विकास का जो एक पूरा स्तर है वो ऊपर जा रहा है, तो ये डे बाय डे आगे जाता जाएगा और डे बाय डे लोगों के अंदर अवेकनिंग बढ़ती जाएगी। इसीलिए जो न्यू एज में देखता हूँ इनलाइटनमेंट जैसी बातें, ये कोई रेयर फिनोमिना रह जाने वाले नहीं है, ये बहुत कॉमन फिनोमिना हो जाने वाली है। ये भैया ये कलयुग सतयुग किसने बना दिया है, ये कौन से थॉट स्कूल ने, कोई इवोल्यूशन हो रहा है उसमें, ये कोई सतयुग कलयुग होता ही नहीं, इवोल्यूशन टोटल इवोल्यूशन हो रहा है, वो हो रहा है जब से क्रिएशन है तब से वो हो रहा है टोटल इवोल्यूशन। ना पीछे अच्छा था ना आज, आज सबसे अच्छी जगह पर हम खड़े हैं, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। ये केवल रिलीजियस लोगों की लिमिटेड थिंकिंग कहेंगे, जो उनको लगता है कि नहीं कुछ पीछे बहुत अच्छा हो गया था, यानी रिलीजियस वाले तो पीछे अच्छा लेके फिर आगे बुरा लेके चलते, फिर सतयुग था फिर वो हुआ फिर उससे कम हुआ फिर उससे कम हुआ उससे कम हुआ और अब सबसे बुरी जगह पे। सबसे बुरी जगह पे जब हैं तो सबसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, कितनी आयरनी की बात है। सबसे बुरी जगह पे, जब सबसे अच्छी जगह पे थे तो खाने को लोगों के पास चीज़ें नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, सोशल इक्वलिटी नहीं थी, सोशल लिबर्टी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हम किस अच्छी जगह पर थे, क्या वहाँ पर अच्छा था, कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा करता। माइक अंकल के बोलिए। ये तो मेडिवियल पीरियड की बात है, पर उसके पहले तो 5000 कोई किसी के पास डेटा नहीं है एक्चुअल में, सब केवल फिक्शन है। अभी किसी के पास कोई डेटा नहीं कि उसके पहले क्या था, सो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे कि उसके पहले क्या था, इसको हम केवल फिक्शन मान के छोड़ देते हैं। लेकिन रियलिटी यही बताती है कि एवोल्यूशन पीछे नहीं जाता, वो आगे जाता है हमेशा, वो हमेशा आगे ही जाएगा और हम लोग आगे ही जा रहे हैं। इस समय हम लोग सबसे अच्छी स्थिति में, अगर आज हम आइडियोलॉजिकल प्लेन पर देखें तो हम हर नए आइडिया को वेलकम करने के लिए कैपेबल हैं। हम लोगों को लगेगा कि दो हम इंटॉलरेंट भी हो रहे हैं, लेकिन हम बहुत टॉलरेंट हैं, हम इतने डाइवर्सिफाइड आइडियाज़ को लेके चलते हैं, वेलकम करते हैं तमाम वॉइसेज, सब पहले नहीं था ऐसा, मुश्किल था। एक बात चलेगी, एक आवाज़ चलेगी, उसका विरोध होगा तो कत्लेआम होगा, तमाम चीज़ें थी। रिलीजन को आसानी पड़ती है, जो जनरेशन सामने हो पहले उसी की निंदा करिए, उसी को कंडेमनेशन करिए, फिर उसी को आगे ले जाइए, और वो बड़ा अच्छा लगता है सुन के। और लोग चूँकि थोड़ा हर व्यक्ति के अंदर एक गिल्ट जो पड़ा हुआ है ना, रिलीजन ने, ऑर्गेनाइज रिलीजन ने बहुत अच्छे से समझ लिया था, गिल्ट है, और किसी के भी गिल्ट को मैनिपुलेट करके आप उसके ऊपर शासन कर सकते हैं। तो उन्होंने हमेशा गिल्ट को मैनिपुलेट किया कि तुम पहले कितने अच्छे थे, आज देखो तुमने क्या हाल बना लिया है, काम क्रोध लोभ मोह में दलदल में फंसे पड़े हो, कलयुग आ गया है, कब नहीं थे। रामचंद्र जी के बच्चे काम से नहीं आए तो कहाँ से आए, कृष्ण भगवान के बच्चे काम से नहीं आए तो कहाँ से आए, क्रोध नहीं था तो युद्ध कहाँ से करा लिया, आज तो उतना बड़ा युद्ध भी नहीं दिखता है, अगर हम उसको वैसे ही मान लें ग्राफिक जैसा है महाभारत जैसा, तो उन बातों में नहीं पड़े, क्योंकि वो गिल्ट को मैनिपुलेट करने की टेंडेंसी है। और लोगों को अच्छा लगता है सामने ही बैठ के व्यक्ति को, आप दो तरह से लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या तो उसके ईगो को हवा दीजिए सब अच्छा है, उसके फैंटेसी इल्यूजन हेलुसिनेशन, देखिए मेरे पास इतने किस्से लोग सुनाते हैं, आप यकीन मानिए अगर इसकी मैंने कोई रिकॉर्ड बुक मेंटेन करी होती किस्सों की, और हर किस्से को मैंने थोड़ी सी हवा दे दी होती, वो मेरा घनघोर भक्त होता, बड़ा भारी हमारा साम्राज्य होता, क्योंकि भक्त होता वो सुनने यही आया था कि ये अनुभव तुम्हारे जैसा आदमी तो कहीं पैदा नहीं हुआ, कमाल का अनुभव तुमने किया, अब तो बस देखिए क्या चीज होने वाली है। वो कहेगा बस आप एक तलाश में थे, लोग नहीं बता पाए, लोग इसका उत्तर नहीं दे पाए थे आपने से, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन हो गया, वो मेरा भक्त बनेगा। अब जब मैं उसको नहीं देता हूँ फिर कहीं दूसरी जगह तलाश करता है, फिर जब कोई पकड़ के कहता नहीं नहीं ये बिल्कुल, अब हमारे लोग गुरु जी शाम को बैठे थे मेरी कुंडलनी जाके, मैं ठीक है उसको किनारे रखो आगे बात करो। तो
कहते इतनी बड़ी बात बताई, कुंडलनी जाग गई, चक्र खुल गया, वो कहते हैं चलो ठीक है आगे बात करो, तो निराशा होती है। लेकिन एक तो ये अप्रिसिएशन और दूसरा कंडेमनेशन किसी को, तुम कैसे जी रहे हो दलदल में, इतने बंधनों में, इतनी माया में, इतने उसमें पड़े हुए। अब पड़ा तो है वो, कई चीज़ें उससे हुई हैं, वो भी जानता है अंदर। अब वो अंदर कसमस आता है, कहता है गुरु जी सब जानते हैं, अंतर्यामी है। तो ये सब रिलीजन्स ने मैनिपुलेट किया है। हम बेहतर से बेहतर हो रहे हैं ये बात मान लेनी चाहिए, और थोड़ा बहुत और उसमें अच्छा हो जाएगा तो सब चीज़ें बेहतर होंगी। और ऐसे चलेंगे तो ये सतयुग कलयुग की जो फिलॉसफी है ना, ये आज के टाइम में भी चलती है। मैं इसे सरप्राइज रह जाता हूँ, आज के टाइम में भी चलती है सर। तो फिर सेक्रेट गेम जैसी वेब सीरीज बनेंगी जिसमें वो सतयुग लाएंगे। Thank you.